क्या हाल है मेरे यूपी पुलिस के जवानों। जैसे कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है रिगार्डिंग यूपी पुलिस 2023-24 के बारे में। सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अभी सिर्फ चल रहा है क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक एक अलग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में। फिर इसके बाद मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा। उससे जुड़ने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पहले ही, और लाइक भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो। मैंने हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी की वीडियो डाल चुका हूँ। इसके बाद इकोनॉमिक्स, बहुत ही छोटा सा, इसमें से बच्चे नंबर उठाते ही नहीं है। बेसिक बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, बच्चे इसमें से नंबर उठाते नहीं है। और अगर इसमें आपने नंबर उठा लिए तो आप उनसे आगे निकल जाएंगे, आप उनसे आगे निकल जाएंगे, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। सिलेक्शन दिलवा के ही रहूंगा मैं पक्का आपको। जैसे देखिएगा इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स सबसे पहले नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी। बहुत बच्चों को नहीं पता होता यार जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है। आप देखिएगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूँ जीडीपी और जीएनपी। और 5 ईयर प्लान्स पूरे के पूरे जितने हैं, 12 के 12 हैं, उनके क्या क्या गोल्स रहे हैं, क्या क्या उनके गोल्स को मैं गोल्स रहे हैं, और जितनी योजनाएं रही हैं अभी तक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ मनरेगा योजना, कब यूज हुई, कब आई, और कब वो मनरेगा हुई, नरेगा से कब मनरेगा हुई। ये बैंक इकोनॉमिक्स कभी कभी पूछ लेते हैं, बैंक रेट क्या है, SLR क्या है, ठीक है ना, CRR क्या है, RRR क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, बहुत सारी चीजें। फिर एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट, कौन सी ये जगह सबसे ज्यादा क्या उत्पाद करती है, अपने यूपी में क्या उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, तो ये रिलेटेड है। और कुछ फैक्ट्स हैं, रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे आपको, कौन सा तारीख पे क्या हुआ, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, वो बैंक में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट बच जाता है करंट का, क्योंकि ये तो मान लीजिए अगर 4 क्वेश्चन आए ना तो 2 क्वेश्चन इसमें से होंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से होंगे, इतना करंट का वेटेज रहता है। अगर 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन कहीं भी 10 क्वेश्चन आते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तो 5 क्वेश्चन करंट के, 5 क्वेश्चन और ज्यादा भी बैठ सकते हैं करंट का। तो हमें फोकस इस पे करना है जो इंडिया का बजट है 2023, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जो यूपी का बजट है 2023, क्वेश्चन यहां से बनेंगे, और बाकी करंट अफेयर जो होगा ना टोटल, ये आपको नंबर दिलवा देगा, यहीं से आएंगे आपके नंबर और कहीं से नहीं आने हैं। जैसे करंट अफेयर में पूछ लेगा कि वर्ल्ड बैंक ने क्या अनुमान लगाया है इंडिया के जीडीपी का, इतनी बात खत्म। वो सब सब पॉइंट्स दे रखे होंगे, 8.5, 7.65। अब ये आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए तभी आप टिक कर पाएंगे, तुक्का मारने में से कुछ नहीं होगा, कहीं सही तो कहीं गलत। तो ये इकोनॉमिक्स की बहुत छोटी सी वीडियो है, ये मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, किस किस तरीके से पढ़ाऊंगा, इससे भी डेप्थ में पढ़ाऊंगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, इधर इंडिया बजट लिख दिया। अभी ये इंडियन बजट के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास चाहिए कम से कम। उसमें से मुझे पूरा का पूरा जो भी सब कुछ है वो क्लास में, जिस दिन पेपर होगा उस दिन सबका सब मेरे को यही चाहिए, इसी बोर्ड पर पढ़ाया हुआ चाहिए A to Z, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और पूरी क्लासेस 11 फरवरी तक मैं ख़त्म कर दूंगा, पूरी पूरी यूपी पुलिस 2023-24 पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा आपको, और आपका सिलेक्शन पक्का करूंगा। धन्यवाद।